डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा एपिसोड 325 है, तारीख है 18 जून 2019। अगर अभी तक आपने चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आप वो अपडेट मिस ना करें। क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पर, क्लिक करें आप इस तरह के बेल आइकन पर। ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, ये रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसका जो इंग्लिश का वीडियो है, इंग्लिश वर्जन है, वो हमारी वेबसाइट्स पर ssccjilpinnacle.com और baljeethdhaka.com पर डाल दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस आपके लिए ले रही हूं। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक थी वो थी 141। फिर अगला प्रश्न है कि कर्गिस्तान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जी जिनपिंग, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न एक पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये हमारा प्रश्न एक है। देखिए ये जो महिला राष्ट्रपति हैं ये मार्च के महीने में ही बन गई थी और उस समय मैंने इनके बारे में आपके साथ कवर किया था। आंसर है इसका जुजाना कैपिटोवा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हमारा बी है, बी राइट आंसर है। जुजाना कैपिटोवा ने स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अब शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह जो है ये वहां पर आयोजित हुआ और संवैधानिक न्यायालय में इवान फियाकन संसदीय सत्र में उन्होंने शपथ वगैरह ली। वह आधुनिक स्लोवाक में 5वीं राष्ट्रपति हैं। वह मार्च के महीने में उनको चुना गया था। ये थी जानकारी प्रश्न एक के बारे में। आपको मैं जुजाना कैपिटोवा की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए ये उस महिला की तस्वीर है और साथ ही साथ स्लोवाकिया कहाँ है ये मैं आपको यूरोप में दिखा रही हूँ। ये है स्लोवाकिया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल है ब्रातिस्लावा, करेंसी है यहाँ पर यूरो। ये थी जानकारी स्लोवाकिया के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि SSC CGL टीयर 2 के लिए हमारा जॉब अश्योर प्रोग्राम, जो कि कंप्लीट डे वाइज प्रोग्राम है, एक पूरा शेड्यूल है इंग्लिश और मैथ्स के लिए, वो 18 जून को शुरू हो रहा है। आप टीयर 2 में आपका जो 400 मार्क्स का होता है उसमें 360 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम 101% ज्वाइन करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉम्पिटिशन का लेवल इन दिनों क्या है। साथ ही साथ अगर आप पूरा प्रोग्राम वगैरह नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल इंग्लिश ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल मैथ्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस स्लाइड में आपको डिटेल मिल जाएंगे। यहां पर हमारा ऑनलाइन कोचिंग कोर्स जिसमें कि 2 साल की मेंबरशिप मिलती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सब कुछ कवर्ड है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहां इंटरनेट कनेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम है, सारे डिटेल। अगर आप केवल टियर 2 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा यहां पर दिया हुआ है। जो कुछ आपको सूट करे वो आप ज्वाइन करें। आगे चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न में, मिस इंडिया 2019 का ताज किसे पहनाया गया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर है यहाँ पर सुमन राव, ये ताज जो है ये सुमन राव को पहनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर आंसर देखिए, राजस्थान की रहने वाली हैं, 20 वर्षीय मॉडल हैं सुमन राव, इनको मिस इंडिया 2019 का ताज पहनाया गया है। यह समारोह महाराष्ट्र के मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया और साल 2018 की जो मिस इंडिया थी जिनका नाम है अनुकृति वास, उन्होंने ये ताज पहनाया नई मिस इंडिया सुमन राव को। यहाँ पर आप इससे संबंधित तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है कि किस संस्था को मिड डे मील प्रोजेक्ट के लिए BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड दिया गया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर है यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन, आंसर यहाँ पर हमारा बी है। जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है ये बैंगलोर में स्थित है और एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? गैर सरकारी संगठन। ये पूरे भारत में स्कूल लंच कार्यक्रम चलाता है। इसे मिड डे मील प्रोजेक्ट के लिए बीबीसी, ओके, बीबीसी जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के लंदन में ब्रिस्टल में बीबीसी फूड एंड फार्मिंग अवार्ड्स में प्रदान किया गया।
एनजीओ ने लगभग 20 साल पहले मिड डे मील देना शुरू किया था। यह है हमारा प्रश्न 3 और आपको मैं दिखाती हूँ इससे संबंधित तस्वीर। अक्षय पात्र अनलिमिटेड फूड फॉर एजुकेशन, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये। चलिए आगे चलो, यहाँ पूछा गया है कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न 4 है। दुनिया भर में फैमिली रेमिटेंस का इंटरनेशनल डे जो है इसको मनाया जाता है हर साल कितनी तारीख को, 16 जून को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर 16 जून है। दुनिया भर में फैमिली रेमिटेंसेस का इंटरनेशनल डे हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। यह दिन दुनिया भर में 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने और अपने बच्चों के लिए आशा का भविष्य बनाने के लिए दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के योगदान को सलाम करता है, उसको पहचान देता है। ये थी जानकारी प्रश्न 4 के बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखा का जो विश्व दिवस है वो 17 जून को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य ये है कि सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ये था हमारा प्रश्न 4, आप इससे संबंधित यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आ जाइए प्रश्न 5 पर। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान द्वितीय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हमारा प्रश्न 5 है। अब प्रश्न 5 के लिए यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर हमारा सी। ये दोनों जो हैं ऋतु करिदल और मुथैया वनीता, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, आंसर जो है यहाँ पर 5 के लिए सी है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर सी है। ओके, अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है उसने पहली बार भारत के दूसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान द्वितीय का नेतृत्व करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिक जिनके नाम है ऋतु करदिल जो कि मिशन निर्देशक के रूप में और मुथैया वनीता परियोजना निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऋतु करदिल को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वे मार्स ऑर्बिटर मिशन के शुभारंभ के साथ ही प्रसिद्ध हो गई थी जहां वह डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। तो ये थी जानकारी प्रश्न 5 के बारे में। मैं आपको इन दोनों महिला साइंटिस्ट की तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए ये इनकी तस्वीर है। साथ ही रिवीजन करा देती हूँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन, उन्होंने घोषणा की है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक होगा। चंद्रयान द्वितीय चंद्रमा का पता लगाने वाला भारत का दूसरा मिशन है। चंद्रयान द्वितीय मिशन 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। तो ये लॉन्च होने वाला है, ये सारी जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखो, कौन सा देश अपना अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर है यहाँ पर भारत। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर जो है वो सी है, भारत इसका राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने घोषणा की है कि देश अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने की योजना बना रहा है और इसके लिए काफी सारा काम किया जा रहा है और 2030 तक जो है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अगले प्रश्न पर। काफी सारे प्रश्न जो हैं वो इसरो से संबंधित हैं आज के वीडियो में। यहाँ पूछा गया है कि वन रैंक वन पेंशन ORoP योजना के लिए गठित नई समिति के प्रमुख कौन हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर है यहाँ पर संजीव मित्तल। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर ए है, संजीव मित्तल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और विधवाओं को पेंशन के अगले संशोधन के कार्यान्वयन पर तौर तरीकों और कार्य प्रणाली पर काम करने के लिए एक समिति का गठन किया। नवगठित समिति की अध्यक्षता रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री संजीव मित्तल करते हैं और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर यहां पर है संजीव मित्तल। यहां देखो, वेनेजुएला
जल्द ही किस मूल्य वर्ग के नए नोट जारी करेगा? यह प्रश्न 8 है और आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। वेनेजुएला 10,000 के, 20,000 के, 50,000 के, इन तीनों मूल्यों के नए नोट जो है जारी करेगा। यहाँ आप नए नोटों की तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये नोट जो है ये वेनेजुएला में अब जारी होंगे। वेनेजुएला कहाँ पर लोकेटेड है? वेनेजुएला जो है ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है। वहां की सरकार ने घोषणा की है कि हाइपर इन्फ्लेशन के कारण नए नोट जारी करेगी जो मुद्रा के मूल्य को कम कर सकता है। वेनेजुएला का केंद्रीय बैंक 10,000, 20,000 और 50,000 बोलिवर मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करेगा। तो अब मैप में देखते हैं भाई कहाँ है वेनेजुएला। ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ आपको वेनेजुएला नजर आएगा। कैपिटल है काराकस, करेंसी है वेनेजुएन बोलिवियर, सॉवरेन बोलिवियर यहाँ पर करेंसी है। अगला प्रश्न देखो, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की थीम क्या है? ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। आंसर है यहाँ पर आवाज उठाना। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हमारा डी है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2019 की थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस यानी आवाज उठाना है। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता का उपयोग करना है जो बड़े दुरुपयोग और उपेक्षा को प्रभावित करता है। इस दिन को दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप ये तस्वीर देखिए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एल्डर्स, लिफ्टिंग अप वॉइसेस 2019। मैत्री सेतु भारत को कौन से देश से जोड़ने वाला एक पुल है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये जोड़ेगा भारत को बांग्लादेश से। प्रश्न 10 के लिए उत्तर क्या है हमारा? बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने चेटोरम का दौरा किया जो मैत्री सेतु के रूप में जाने वाली फेनी ब्रिज के निर्माण का निरीक्षण करते हैं जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से चटगांव बंदरगाह से जोड़ेगा। और बांग्लादेश कहाँ पर है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। ये देखिए, ये बांग्लादेश है, ये जो कंट्री नजर आ रहा है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी, वहां का सबसे बड़ा शहर क्या है? ढाका। ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर बंगाली भाषा है। सरकार वहां पर यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और करेंसी वहां पर टका वहां पर करेंसी है। ये थी जानकारी अंतिम प्रश्न के बारे में और अब मैं आपको ले आई हूँ समरी कीवर्ड्स पर। चलिए समरी कीवर्ड्स के माध्यम से पूरे का पूरा वीडियो जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवाकिया की जजुआना कैपुटोवा। मिस इंडिया 2019 सुमन राव है। वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड ये मिला है अक्षय पात्रा फाउंडेशन को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है 16 जून को। इसरो के हेड जो चंद्रयान द्वितीय है उसको कौन हेड करेंगी? दो साइंटिस्ट जिनका नाम है ऋतु करदयाल और मुथैया वनीता। फोर्थ कंट्री जिसके पास अपना स्पेस स्टेशन होगा वो भारत है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम का जो पैनल है उसके सदस्य बने हैं संजीव मित्तल। वेनेजुएला जो है ये नए बैंक नोट जारी करेगा। ओके, वेनेजुएला जो है नए बैंक नोट जारी करेगा 10,000 के, 20,000 के और 50,000 के। थीम ऑफ वर्ल्ड एल्डर अब्यूज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, इसकी थीम है आवाज उठाना रादर थी। और मैत्री सेतु भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। और अब आप क्विज फॉर द डे पर आ जाइए और ध्यान से देखिए और मुझे आंसर बताइए। यहाँ पूछा गया है मिस इंडिया 2019 का ताज किसे पहनाया गया है, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न है आपके सामने ये। ओके, दूसरा है वेनेजुएला जल्द ही किस मूल्य वर्ग के नए नोट जारी करेगा, इसका उत्तर बताइए। एक और प्रश्न पूछ रही हूँ उसका भी उत्तर बताना आप मुझे कि भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय
और जीवाश्म पार्क जो है उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था, ये भारत के कौन से राज्य में हुआ था? ये आपके 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे। और साथ ही साथ वीडियो बढ़िया लगा, वीडियो को लाइक करो, जितना संभव हो सके वीडियो को आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को पहुँचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।